हरियाणा शहर के भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे पर ग्राम सिवनी और राजना के बीच स्थित इरोमा सिगरेट फैक्ट्री से बीती रात नकाबपोशों द्वारा दो गार्ड के हाथ पांव बांधकर एक बड़े वाहन में फैक्ट्री के अंदर रखी 300 बॉक्स चोरी करने की घटना प्रकाश में आई है। यह घटना मंगलवार रात को हुई। पुलिस और डायल 100 को कंपनी की ओर से सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू की है। मिली जानकारी के अनुसार फैक्ट्री बीते लंबे समय से बंद है और यहां का बकाया राशि नहीं भरने पर बिजली भी काटी गई है, जिससे घटना के समय अंधेरा था। मौके पर उपस्थित गार्ड प्रेमलाल धारपुरी ने बताया कि रात को लगभग 8 बजे उसने दूसरे गार्ड सोजर ध्रुवे को अंदर आने के लिए गेट खोला, जिसके बाद गेट लगाने से पहले ही 7-8 नकाबपोश अंदर घुस आए और प्रेमलाल के ऊपर चादर डालकर उसे पकड़ लिया। इसके बाद दूसरे गार्ड सोजर के साथ भी यही किया। दोनों के हाथ पांव बांधकर उन्हें फैक्ट्री के पीछे स्थित एक कमरे में बंद कर दिया। ये 8 बजे की है, मैंने इसके लिए गेट खोला, ये सीधा गाड़ी लेके अंदर गया, तब तक मेरे को अच्छा कितने लोग थे वो? वो तो सर मेरे को अंधेरा था यार, लाइन तो है नहीं, कितने लोग थे वो मेरे को दिखे नहीं। इसने वो गाड़ी रखते तक इसकी नज़र से चली गई, उसको वही पकड़ा है। वो करीब 8-10 लोग बता रहे हैं। फिर क्या चोरी गया यहाँ से? बॉक्स गए सिगरेट के। कितने? वो तो अभी तो कोई फिलहाल कोई मालूम नहीं सर कितने गए था। लगभग 300 बॉक्स चोरी जाने की बात आ रही सामने, है ना? हाँ, फैक्ट्री बंद है। फैक्ट्री बंद है। और बंद फैक्ट्री से ये क्या आयशर गाड़ी थी कि कौन सी गाड़ी? अरे कुछ पता ही नहीं सर, क्योंकि हमको बांध दिए थे ना उधर पीछे में, उठा के ले डाल दिए थे पीछे फैक्ट्री के। अच्छा। हाँ, इधर सामने क्या हुआ कुछ पता ही नहीं चल रहा। अच्छा। हाँ, पूरे हाथ पाँव बांध दिए थे। इस घटना के बाद पुलिस चौकन्ना हो गई और फरार वाहन को पकड़ने के लिए सभी टोल नाकों के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। BCN न्यूज के लिए पांडुना जिला छिंदवाड़ा से जितेंद्र अतकरे की रिपोर्ट।